अब बताओ और सर, क्या है? नेक्स्ट क्या पेमेंट? नो सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब बताओ ये क्या है? सर प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शंस रियलिटी टू बिजनेस। प्रॉफिट का मतलब सीधी बात है सेल्स माइनस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। जितने का तुमने सामान बेचा, अब वो सामान था कितने का और उस पर कितना खर्चा हुआ, इन दोनों चीजों को अगर घटा दोगे तो इट कॉल योर प्रॉफिट। यानी समझ में आई बात की नहीं आई? भाई मान लो कोई सामान तुमने, या मान लो तुमने कोई सामान, एग्जांपल लेते हैं, देखो सेल्स प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, माइनस, अब हम उसमें माइनस क्या कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट, यानी वो हमको कितने में पड़ा था, मान लो पड़ा था 50 रुपए में, यानी उसको लेके आए तो हमको कितने में पड़ा, 50 रुपए में, प्लस हम अपनी दुकान से होलसेलर की दुकान गए होंगे, उसके यहां से सामान लिए होंगे, अपनी दुकान में लाके रखे होंगे, दुकान का बिजली का बिल, किराया और हमारे नौकर का खर्चा, 50 तो खर्चे मिला के मान लो उस प्रोडक्ट पे जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 20 रुपए, ठीक है, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? बताओ। बताओ बताओ बताओ। 100 रुपए का सामान 50 कितना? 70। अरे ध्यान से दिमाग लगाओ, तुम 100 रुपए का सामान ले बेच रही हो, उस सामान को तुम 50 रुपए में खरीदी हो और 20 रुपए उस पर खर्चा हुआ, ऑटो ऑटो ये सब ताम झाम मिला के, तुम्हारी जेब से कितना पैसा चला गया? 70। यस सर। तुमने बेचा कितने में? सर बेचा 150। कहाँ 150 लिखा है? सर इसमें 100 माइनस 50 प्लस 20 लिखा हुआ है ना। 100 माइनस 50 प्लस 20, तो 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70। 70 रुपीज तो तुम्हारे खर्चा हो गए। यस सर। 100 रुपए तुमको बेचने से मिला, तो प्रॉफिट कितना कमाई? यस सर 100। कैसे? दिमाग लगाओ, यही सब छोटी छोटी चीजें सीखनी है। तुम एक मान लो, कैसे समझाऊं तुमको, तुम एक सूट लेके आई, ठीक है ना, यस इस तरह से समझते हैं। इसको दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, तो गड़बड़ ना होने पाए, अदर एग्जांपल, ठीक है ना, तुम एक क्या लेके आ रहे हो, कुर्ती, ठीक, तुम गई बढ़िया दुकानदार के यहाँ कुर्ती खरीदने, कुर्ती की कॉस्ट थी तुम 1500 की खरीदी तुमने, ठीक है, तुम ऑटो करके गई होगी दुकान तक, मॉल तक गई, ऑटो से वापस आई, तो तुम्हारा ऑटो ऑटो में मान लो जो है एक्सपेंस कितना हो गया, 100 रुपए, तो कुर्ती कितने की पड़ी? बताओ, तो टोटल पड़ी कितने की? 1600 रुपए की। यस सर। अब तुमने उसको अपनी, तुम बढ़िया ला के घर में रख ली, बगल वाली सहेली आई बोली बढ़िया कुर्ती लेके आई हो, तुमने उससे जलवा मारने के लिए क्या बोल दिया, 2500 की है। यस सर। तो बोलते हैं ना, ज्यादातर बढ़ा के बताते हैं ना, तो कम की बताएंगे तो लोगों को लगेगा क्या कबाड़ उठा लाई, महंगा बताएंगे तो अच्छा खराब सामान भी अच्छा लगने लगता है। तुमने बोला ये कितने की है, 2500 की, और तुम्हारी सहेली ने बोला यार 2500 की इतनी सस्ती ले आई, मेरे को दे दो, और तुमने बोला बढ़िया यार 2500 की कुर्ती इसको दे देते हैं, तो तुम कितना प्रॉफिट कमाओगी बताओ? बताओ, तुमने 2500 में बेच दिया, खरीदी कितने में थी? सर 1500। और 100 रुपए खर्चा?
यस सर, भाई दोबारा लेने जाओगी तो फिर तो खर्चा करना पड़ेगा, 100 रुपए की ना करना पड़ेगा, यस सर, जैसे ऑटो का खर्चा लगेगा। तो तुमने कितना कमाया? सर 2500। अरे ये 2500 तुम्हारा रिवेन्यू हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? सर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कितना हमने इनकम कमाई, कमाया कितनी इनकम आई। तो जो हमारा खर्चा है उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पापा जो हैं, मान लो 20,000 रुपए कमाते हैं, महीने में सब खर्चा यस वर्चा मिला के 16,000 रुपए खर्चा हो जाता है, तो बचत कितनी हुई? कितना पैसा पापा महीने में बचा पाए बताओ? 20,000 में 16,000 खर्चा हो गया, घर के खर्चा में, तुम्हारी फीस में, ट्यूशन में, ताम झाम, कपड़ा लत्ता, बर्तन को, खाना पीना सब मिला के 16,000 खर्चा हो गया। तो कितना बचा घर में? 4000 4,000। कैसे आया? 16,000 सर की, माइनस 20,000 की इनकम में 16,000 माइनस किया। ऐसे यहां पे तुमने 2500 रुपये इनकम हुई, लेकिन 1600 का खर्चा भी तो हुआ। तो तुमने कितना यस कमाया? 900। जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट में हम क्या करते यस हैं, खर्चे को घटा के निकालते हैं। अच्छा ऊपर वाले में बताओ, 100 रुपए का सामान था बेचा, 50 और 20 रुपए खर्चा हुआ, 70 रुपए था, प्रॉफिट कितना हुआ? तीस रुपए थर्टी बस। समझ में आ रही है? प्रॉफिट किसको कहते हैं? हमको जितना पैसा मिला वो पूरा का पूरा प्रॉफिट थोड़ी होता है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें से हमको अभी खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वही सामान हमको दोबारा लाके भी तो रखना है, तब तो फिर दोबारा बेचेंगे। भाई कोई आदमी, तुम दुकान में जाती हो, तुमको 2 किलो शक्कर तुमने ली, 2 किलो शक्कर उसने तुमको 40 रुपए के हिसाब से 80 रुपए की दे दी, तो क्या वो 80 रुपए उसका प्रॉफिट है? 80 रुपए की शक्कर उसको हो सकता है 75 रुपए की पड़ी होगी, क्योंकि तो बाजार से वो भी लेके आया होगा 75 रुपीज की। अब तुमको 80 रुपीज में उसने बेचा, तो उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 5 रुपीज। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जितने पैसे आए उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दो, जो बचेगा वो हमारा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बात समझ में आ रही? प्रॉफिट क्या है ना? ज्यादातर लोग क्या सोचते थे, यस जो भी पैसा मेरे को मिल गया वो मेरा प्रॉफिट है। अरे भैया वो पूरा प्रॉफिट थोड़ी है, उसमें भी खर्चे भी लगे हुए हैं। अगर मैं सैलरी में 50,000 रुपये कमा लूंगा तो क्या वो पूरा मेरा प्रॉफिट है? अरे नहीं भैया, अभी उसमें पूरे महीने के खर्चे माइनस होंगे। जो बचेगा ना, जो बचत होती है, जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है। एक नौकरी वाले के लिए, दुकान वाले के लिए क्या प्रॉफिट है? जितने का वो सामान ला रहा है और जितने में बेच रहा है, उसका जो माइनस करने से वैल्यू आएगी वो प्रॉफिट है। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारी ये सहेली अगर ये कुर्ती तुमसे 1500 में खरीद लेती तो तुम्हें प्रॉफिट होता कि लॉस होता? सर प्रॉफिट 1500 में तुम कुर्ती लाई थी, 100 रुपए तुमने खर्चा किया, टोटल पड़ी 1600 की, और तुम्हारी सहेली ने तुमसे 1500 में ले लिया, तो तुम्हारा 100 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? यस क्योंकि अब तुमको दोबारा खरीदनी होगी तो 100 रुपए फिर खर्चा करके जाओ मॉल तक, तो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ ना। तो कोई भी दुकानदार कभी भी लॉस में सामान नहीं बेचता, वो हमेशा किसमें बेचता है? प्रॉफिट में। करेक्ट।